हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, एक और न्यू रीडिंग के साथ मैं आ गई हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी जो रीडिंग करने वाली हूँ मैं आप सभी लोगों के लिए, जानेंगे लोगों के थॉट्स क्या हैं आपको लेकर, वो सीक्रेटली क्या सोचते हैं आपको लेकर। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगी जो भी आप, जिनसे भी आपका कनेक्शन है या जिनसे भी आपका अट्रैक्शन होता है, तो वो आपके लिए क्या सोचते हैं, बट वो कभी नहीं आपको बताते हैं। ठीक है, इंटरनली सीक्रेटली वो क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस रीडिंग में देख लेंगे, ठीक है, उनका क्या परसेप्शन है या क्या प्रोस्पेक्टिव है आपको लेकर। सो लेट्स सी थ्रू दिस रीडिंग। आई होप कि ये टॉपिक आपको अच्छा लगेगा, और अगर आप ये बातें किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए जानना चाहते हैं, लाइक पर्टिकुलर पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं या उनकी क्या सीक्रेट थॉट्स हैं आपको लेकर, तो आप उस पर्सन को थोड़ी देर के लिए याद कीजिए और फिर ये रीडिंग देखिए। ठीक है, हो सकता है कि आपको कुछ आइडिया मिल जाए, ठीक है, इस रीडिंग के थ्रू। तो स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या आता है आप लोगों के लिए। शुरू करने से पहले गाइज, मैं बता दूं कि ये जनरल रीडिंग है, सो इट मे और मे नॉट रेजोनेट विद एवरीवन, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड एंड दिस रीडिंग इज़ टाइमलेस। टाइमलेस है ये रीडिंग, जब भी आप यहाँ तक पहुँचें आप देख सकते हैं, कैन वॉच। पेज ऑफ सोर्ड्स एंड सेवन ऑफ कप्स, ओके, Three of Wands, Ace of Pentacles, Two of Wands, Eight of Pentacles, Empress, wow, and we have Seven of Pentacles. ये कार्ड नहीं लूंगी मैं, अगर दोबारा आ गया। चलो, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, और एट ऑफ सोर्ड्स यहाँ से भी है। यहीं से मुझे बस एक थोड़ा नेगेटिव कार्ड दिख रहा है, बट ये नेगेटिव नहीं है। यहाँ पर हम जान रहे हैं कि लोगों का परसेप्शन, लोगों के थॉट्स क्या हैं आपको लेकर, ठीक है, ये बात हम यहाँ पर जान रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लीब्रा का साइन बहुत स्ट्रांग है। इसके बाद मुझे यहाँ पर ना एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस दिख रहा है। जेमिनी, लिब्रा तो है ही, यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, और यहाँ पे वाटर एलिमेंट भी है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, सारे ही जोडियक साइन है यहाँ पर। तो क्या सोचते हैं लोग आपको देखकर, उनका फर्स्ट, आपका फर्स्ट इम्प्रेशन कैसा होता है लोगों के लिए, या उनके थॉट्स कैसे होते हैं, सीक्रेटली वो क्या सोच रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग ना आपको बहुत मैनिपुलेट करते हैं आपके बारे में, अलग अलग बातें बोलकर, ठीक है, बिकॉज दे आर स्टिल कन्फ्यूज अबाउट योर पर्सनैलिटी एंड अबाउट योर बिहेवियर। लेकिन जिस तरीके से वो आपसे मिलते हैं और जब आपका रियल नेचर वो जान पाते हैं, तब वो अपना माइंडसेट बना पाते हैं आपके लिए। फर्स्ट टाइम की मीटिंग में आपको कोई भी जज नहीं कर सकता कि आप रियलिटी में किस तरह के पर्सन हैं, ओके? तो हो सकता है आपको बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हों कि बहुत एटीट्यूड है, एटीट्यूड अलग ही तरह का है, वो इस वजह से भी बोल सकते हैं बिकॉज आप थोड़े गुड लुकिंग होंगे, थोड़े क्या, बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं, बिकॉज वी हैव एम्प्रेस कार्ड है ना, तो आपके फीचर्स, आपका बिहेवियर सब कुछ बहुत अच्छा है। और पता है, जब एम्प्रेस का कार्ड आ गया, इसका मतलब तो ये क्लियर है, आप भीड़ में भी शाइन करते हो, आप अलग ही दिख जाते हो, क्योंकि एम्प्र, ये जो है ना, सॉरी, एम्प्रेस है ये, अगर मेरे मुंह से एम्प्रर निकल गया हो तो आई एम सॉरी, एम्प्रेस कार्ड है ही ऐसा कि मतलब ये पर्सनालिटी ही ऐसी है कि आपको भीड़ में भी अलग दिखाती है और आपको बताती है कि यस, आप ये बहुत यूनिक हैं, स्पेशल हैं। यहाँ पे ना बहुत सारे लोगों के बहुत सारे प्रोस्पेक्टिव हो सकते हैं आपको लेकर, मतलब उनके जो थॉट्स हैं, वो जो सोच रहे हैं आपके बारे में। देखिए, आप जैसे हो, पहली बात तो आप वैसे ही लगोगे लोगों को, ठीक है, आफ्टर सम टाइम। जैसे आपकी पहली, दूसरी, तीसरी मीटिंग में तो, थर्ड मीटिंग में तो सबको समझ में आ ही
जाता होगा आपके बारे में कि यस यू आर यूनिक, यू आर स्पेशल एंड यू आर वेरी क्लोज टू डिवाइन, ठीक है। तो इस तरीके की कुछ थॉट्स उनके उनके मन में आते हैं आपको लेकर। तो अभी देखो, सबसे पहली बात है, आपको दुनिया ऐसे ही देखती है कि आप हार्ड वर्किंग पर्सन हैं। जो चीज़ आपने एक बार डिसाइड कर ली कि मुझको ये करना है, तो वो चीज़ आप करते हो, और ये क्वालिटी आपके लोगों को भी दिखती है आपके एफर्ट्स की वजह से। बिकॉज कॉन्टिन्यूसली आप किसी ना किसी चीज़ पर काम कर रहे होते हैं, हमेशा आपके पास कोई ना कोई पर्पस होता है और आप उस पर पूरे डेडिकेशन के साथ काम करते हैं। तीसरा, दुनिया ये भी देख रही है कि आप अपने एकेडमिक्स में बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप हमेशा कुछ ना कुछ नए कोर्स या कुछ नई एक्टिविटी में खुद को एनरोल कराते हैं, और आप हमेशा कुछ नई चीज़ एक्वायर या गेन करने की कोशिश करते हैं, अपनी स्किल्स को एनहांस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दिस इज़ द पॉजिटिव एटीट्यूड जो दुनिया आपके बारे में सोच रही है। आपका स्ट्रगल भी दिखता है दुनिया को, लाइक कितना डिले आपकी ज़िंदगी में आया है, और फिर भी आप फ्रस्ट्रेट नहीं होते, पैनिक नहीं होते। तो कहीं ना कहीं एक इंस्पिरेशन आप दे रहे हो लोगों को, ठीक है, या उनके लिए एक इंस्पिरेशन बन रहे हो। आपको देखकर दूसरों के मन में ये भी आता होगा कि भाई ये इतना हार्ड वर्किंग है तो हमें भी काम करना चाहिए खुद पर, ठीक है। आपको बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर भी स्टॉक करते हैं, ये चीज़ भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। लेकिन आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में भी काफ़ी आगे बढ़ गए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा लोग आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और आपके सामने अपना इम्प्रेशन जमाने की भी कोशिश करते हैं। ये चीज़ें भी मैं यहाँ पर क्लियर देख पा रही हूँ। तो यस, ये आपकी कुछ पॉजिटिव क्वालिटीज़ हैं जो दुनिया को दिखती है, ठीक है। और अगर आप अपने स्पेसिफिक पर्सन के लिए पूछना चाहें कि उनके क्या सीक्रेट थॉट्स हैं, गाइस, वो तो देखो आपको अपनी मदर के साथ बिल्कुल ऐसा समझते हैं कि उनकी मदर के सारे गुण आपके अंदर हैं, ठीक है। जैसे आप बहुत केयरिंग हैं, नर्चर हैं, बहुत ज़्यादा पोलाइट हैं, बहुत अच्छा आपका बिहेवियर है, ठीक है, इस तरीके से वो देख रहे हैं। साथ ही साथ वो अपना करियर में भी आप किस तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो या कुछ ना कुछ नया ट्राई करने के लिए कहते हो, तो ये अच्छी बात है। और वो आपको, उन्होंने कभी बताया नहीं होगा, बट स्टिल वो आपको अपनी ब्लेसिंग्स मान रहे हैं कि आप उनके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग हो, डिवाइन की तरफ से भेजा गया एक बहुत बड़ा मिरेकल, ठीक है। और आप जब से इनकी लाइफ में आए हैं, इनकी लाइफ में भी काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, तो आप तो अपने पर्सन के लिए एक पॉजिटिविटी का सोर्स हैं जिसको वो कभी नहीं खोना चाहेंगे, ओके। इसके बाद देखो, हालांकि दुनिया जो भी लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, मैंने बताया जैसे कि वो आपको मैनिपुलेट भी करना चाहते हैं। अब ये तो बात हो गई जो लोग बहुत पॉजिटिव हैं या आपके वेल विशर हैं, ये उनकी सोच हो गई। बट यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपकी प्रोग्रेस को देखकर खुश नहीं हो रहे हैं या आपको मैनिपुलेट या कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि ये चीज़ें ऐसे नहीं होनी चाहिए, ऐसे कर लो, आपसे नहीं हो पाएगा, आपको डीमोटिवेट करने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन अंदर ही अंदर वो सच में आपकी स्ट्रेंथ को देखकर हैरान होते हैं। खुश तो नहीं बोलोगे मैं, पर हैरान हो जाते हैं कि आप इतने चैलेंजेस वो डाल रहे हैं आपके पाथ में, ठीक है, इतना ज़्यादा आपको मतलब तंग करने की कोशिश कर रहे हैं, बट स्टिल आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यू ट्राई टू मूव फॉरवर्ड ऑलवेज, ठीक है। तो ये चीज़ें वो अंदर से ना मतलब समझते हैं, जानते हैं, अब्जॉर्व करते हैं आपको लेकर, और बहुत हैरान हो जाते हैं। तो ओवरऑल गाइज, मैं अगर आपको बताऊं, ये जो कार्ड्स आए हैं, तो मुझे आपकी पर्सनालिटी दिख रही है काफ़ी पॉजिटिव, बहुत यूनिक हो आप, एक एम्प्रेस की क्वालिटी अगर आपके अंदर है तो डेफिनेटली यू आर बेस्ट, यू आर द वन, ठीक है, और डिवाइन के बहुत क्लोज हो, बिकॉज वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स कार्ड हियर। ये बता रहा है आपकी स्पिरिचुअलिटी को, जो बहुत अच्छे से आप निभा रहे हो, अपने सारे कर्म अच्छे कर रहे हो, तो ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी भी अच्छी है, दैट इज़ वाई मैक्सिमम लोग आपकी तरफ से पॉजिटिव वाइब्स अट्रैक्ट करते हैं। आप ऐसे भी हैं जब आप बात करते हैं तो दूसरों के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है, आपको देख कर स्माइल आ जाती है, बिकॉज एम्प्रेस एक है ही ऐसी क्वालिटी जो सच में मतलब बहुत यूनिक होते हैं, और बहुत पॉजिटिव वाइब्स आपसे मिलती है दूसरों को भी, ठीक है। बाकी आप हार्ड वर्किंग पर्सन हैं, डिले आपने बहुत देखा है, आपका स्ट्रगल दुनिया के सामने आया है, ऐसा नहीं है कि छुपा है, ठीक है, बिल्कुल दिखता है लोगों को भी कि आप कितने ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन हैं। इतने चैलेंजेस के बाद भी आप रुकते नहीं हैं, आगे आप मतलब आप रुकते नहीं हैं, आप आगे ही बढ़ते हैं, ये चीज़ें क्लियर है। लेट्स सी मोर, और क्या आपके लिए आएगा देख लेते हैं। यहाँ पर चलिए, ये कुछ कार्ड्स हैं, अब हम इन्हें देख लेते हैं।
समवन विल ट्राई टू मेक यू डू समथिंग अगेंस्ट योर विल. मैंने कहा ना, कुछ लोग आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, आपके जो सपने हैं उनसे आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं आप अचीव कर सकते हैं, और हो सकता है कि वो चाहते ना हो कि इस तरीके से. तो आपको ना कुछ ही लोगों से बात करनी चाहिए. अ डिस्टेंस फ्रेंड इज थिंकिंग अबाउट यू. हो सकता है आपका कोई लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंड है, या फिर आपका लवर भी हो सकते हैं ये, तो वो तो हमेशा ही आपके बारे में सोचते हैं. और क्या सोचते हैं? बिल्कुल पॉजिटिव सोचते हैं. ये आपके वेल विशर हैं. बट यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ. यू नीड टू डिफेंड. आपको अपनी ना रक्षा खुद ही करनी है, अपने आप को बचाना है, ठीक है, ऐसे नेगेटिव लोगों से. दुनिया चाहे आपके बारे में अच्छा बोलें या गलत बोलें, आपने जो अपने लिए डिसाइड करा है वो आपको पूरा करना चाहिए. गेट बैक टू द बेसिक्स. आप हमेशा अपने बेसिक्स को भी रिवाइज करते हैं. आप हमेशा अपने पास्ट कर्मा या पास्ट एक्सपीरियंस को भी हमेशा याद रखते हैं, ठीक है. डिप्रेशन, एंजाइटी, वरी दैट समवन इज अगेंस्ट यू. यस गाइज, हो सकता है, देखो, आपको डिप्रेशन या एंजाइटी कुछ लोग दे देते हैं, लेकिन जितना आप खुद की लाइफ में बैलेंस और खुद का प्रोस्पेक्टिव अच्छा रखेंगे, तो आप हमेशा बैलेंस बनाएंगे और बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को मैनेज कर पाएंगे और आगे भी बढ़ पाएंगे, ठीक है. बिकॉज ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू. आपका जो गुड वर्क है, जो गुड बिहेवियर है, और जो आप इतने ज़्यादा पोलाइट है ना, तो वो आपके लाइफ में ऑनर और रिस्पेक्ट लेकर आ रहा है. ये तो बहुत सिलेक्टिव पीपल हैं जो आपके बारे में नेगेटिव सोचते हैं या फिर आपके वेल विशर नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द पीपल राइट नाउ, बिकॉज आप ना अभी अपने स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी आगे बढ़ गए ना, तो दैट इज़ वाई क्राउड आपके आसपास से कम हो रहा है. तो ये सिलेक्टिव है, ये कुछ ही लोग हैं जो ऐसा सोच रहे हैं, अदरवाइज तो आप अच्छा कर रहे हैं. बट यू नीड टू डिफेंड, ठीक है. आप अपने आप को डिफेंड कीजिए और अपने आप को अपनी लाइफ में अच्छा बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए, ओके. ये चीज़ें आपको तो करनी पड़ेगी, बचा के तो रखना पड़ेगा ना आपको खुद को. Someone is trying to come between you and a friend or something you want. Yes, because मैंने बोला ना, कुछ देखो कुछ ही है ये. Someone कोई एक हो सकता है और वो आपके पीस और हारमोनी को ख़राब करने की कोशिश करता है, बट आप तो ये अचीव कर लेंगे बिकॉज आपका नेचर ही ऐसा है. आप बहुत कूल टाइप पर्सन है और बहुत अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ में. सो जो आपके लिए अच्छा नहीं सोच रहा है, तो आपकी भी इंट्यूशन आपको गाइड करती है, तो उनसे डिस्टेंस बना लो. और जो आपके वेल विशर हैं वो आपके बारे में अच्छा सोच ही रहे हैं. बट अगर ओवरऑल मैं एक चीज़ बताऊँ, चाहे उसमें आपके लवर आ गए या फिर दुनिया के लिए अगर मैं एक बात कहूँ कि ओवरऑल वो सोचते क्या हैं आपके बारे में, सीक्रेटली थॉट्स उनकी है क्या, वो यही देखते हैं कि ये सामने वाला इंसान इतनी प्रॉब्लम में भी इतना ग्लो और इतना काम कैसे है, और वो इतना आगे अपने एकेडमिक्स में बढ़ रहा है, अपने करियर में बढ़ रहा है. तो बहुत हैरान वंडर होते हैं. और आप कुछ लोग आपको लेकर इंस्पायर होते हैं, खुशी मिलती है, अडोर करते हैं आपको, ठीक है, ऑनर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं आपकी, बट कुछ हैरान होते हैं कि भाई ऐसे ऐसे कैसे हो रहा है, ठीक है, इस तरीके का. तो ओवरऑल वो आपके बारे में अच्छा ही सोच रहे हैं, इसी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको नज़र भी काफ़ी लगती होगी. तो इसका भी उपाय करते रहा करें थोड़े थोड़े टाइम बाद, बिकॉज आपकी पर्सनैलिटी बहुत यूनिक है, अच्छी है. और जो अच्छे होते हैं और या फिर यूनिक होते हैं, तो दुनिया तो उनके बारे में बात करती है, ओके. दिस इज़ योर रीडिंग गाइज. आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो. अभी के लिए बस इतना ही गाइज, बाय, टेक केयर.